हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन पे। मैं हूं मनीष नागर। बहुत ही दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूं। बहुत टाइम से आउट था, वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ रीजंस थे, बट कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आता रहूं। फिलहाल बैठा हूं अपने स्कूल में, अपने स्पोर्ट्स रूम के अंदर। वीडियो किस टॉपिक पे है? वीडियो है कि जैसा आपको पता ही है, पैंडेमिक चल रहा है, और पैंडेमिक में CBSE टाइम टू टाइम बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करता रहा है। तो आप लोगों को अब तक तो मोस्टली लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि CBSE ने करा क्या है। CBSE ने इस बारी जो एग्ज़ाम का पैटर्न कर दिया है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। पैटर्न जो होने वाला है, वो अब एनुअल एग्जाम ना होकर टर्म बेस्ड होगा। दो टर्म में आपका एग्जाम होगा। जी हाँ, CBSE का बोर्ड का एग्जाम आपका दो टर्म्स के अंदर होगा, टर्म वन एंड टर्म टू। टर्म वन में कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या उनके अंदर सब टॉपिक्स रहेंगे, कितने मार्क्स का आएंगे, किस तरह से टर्म टू के अंदर आएंगे, क्या आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, दोनों बार बनानी है या एक बार बनानी है, ये सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपकी इसी वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई मिस हो जाए और बाद में वो लैग करे, क्योंकि दोस्तों जो ट्वेल्थ है वो एक ब्रिज है, एक ऐसी कड़ी है जो आपके करियर को जोड़ता है। ये ऐसा साल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करके आगे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके आ पाते हैं, अच्छे नंबर्स ला के। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ले जाता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन में और फिर आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर फिजिकल एजुकेशन का एक सर्कुलर दिख रहा होगा, जो कि CBSE का सर्कुलर है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर अगर आप देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन 048 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस क्लास 12 2021 टू 22, मींस लेटेस्ट जो अभी इस पैटर्न का है, टर्म वन एंड टर्म टू बेस पे वो होने वाला है। तो टर्म वन में दोस्तों क्या है, 35 मार्क्स का आपका पेपर होगा, MCQ बेस्ड होगा। सिर्फ MCQ आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टर्म वन में नहीं आएंगे। जी हाँ, टर्म वन के अंदर सिर्फ MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेन नहीं करना। आपको चार ऑप्शन रहेंगे, बस उसमें से पिक कर लेना है। तो आई थिंक थोड़ा सा ईजी होगा टर्म वन, थोड़ा सा प्रेशर कम दिया है CBSE ने बच्चों के ऊपर। देन टर्म टू पे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो भी 35 मार्क्स का रहेगा। दोनों 35 के रहेंगे। पहले अगर हमको दिखा दे थोड़ा सा जूम करके टर्म वन के बारे में, तो टर्म वन में चैप्टर नंबर वन आने वाला है, चैप्टर नंबर टू, देन 3 और 4 नहीं आएगा, 5 6 आएगा, देन 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। तो टोटल 5 चैप्टर टर्म वन में डिवाइड करे गए हैं, 5 चैप्टर टर्म टू में डिवाइड करे गए हैं। ये एक ऑर्डर में नहीं करे गए, रैंडमली उठा के कर दिए गए हैं और इसको फिक्स कर दिए गए, इसी तरह से रहेगा। तो चैप्टर नंबर वन जो कि है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, अच्छा अभी अलग क्या हुआ है, लास्ट ईयर कोविड की वजह से ही सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। आपको अगर याद हो तो, अगर आपने सुना हो, आपके जो भाई बहन या दोस्त कोई जो ट्वेल्थ में थे लास्ट ईयर, अगर आप उनसे डिस्कस भी करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था, कुछ टॉपिक्स हटा दिए थे, बट अभी ऐसा नहीं है। तो क्या एड ऑन्स हुए हैं, किस तरह के टॉपिक्स आप कहेंगे, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक पर्पस है वीडियो आप तक लेके आने का। सबसे पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो चैप्टर है, उसमें सब टॉपिक्स होंगे आपके टोटल 4, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट, तीनों टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आपको पता होनी चाहिए। देन टूर्नामेंट्स, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन भी जिसको बोलते हैं, नॉकआउट को एलिमिनेशन भी बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होना, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स, ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए। देन प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर, नॉकआउट बेस पे हो या लीग बेस पे हो, जैसे बाय या सीडिंग मेथड जो होता है, या फिर स्टेयर कैसे साइक्लिक होता है, तो ये आपको आना चाहिए। देन चैप्टर नंबर टू की तरफ हम बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में से फर्दर जो सब टॉपिक्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सभी कवर होंगे। देन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, देन ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ, ये वाला लास्ट में हटा दिया था बट अभी दोबारा से एड ऑन किया है। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। हर एक चैप्टर में से MCQ आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई टॉपिक छोड़ दें, अच्छे से उसको कवर कर लें, क्योंकि MCQ जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं उसके अंदर से। देन चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ आपके टर्म वन में नहीं होगा, टर्म वन के अंदर नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, विच इज़ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसमें फर्दर सब टॉपिक्स होंगे, मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, देन एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज जैसे कि नॉकनी है, फ्लैट फुट है, राउंड शोल्डर है, लोडोसिस, काइफोसिस, बो लेग्स, स्कोलियोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। देन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से रहेगा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। देन चैप्टर नंबर 6 जो कि फोर्थ चैप्टर है टर्म वन के अंदर, वो होगा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट है जो कि एक टेस्ट बैटरी है अपने आप में, जिसमें 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट है, सिट एंड रीच है, पार्शियल कॉल अप है, पुशअप फॉर बॉयज, मॉडिफाइड ऑफ पुशअप फॉर गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, एजिलिटी 4x10 मीटर शटल रन है, मोटा मोटा आप देखोगे तो आफर टेस्ट ही है। देन मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से या फिर रॉकपोर्ट टेस्ट, जो कि दोनों आपको आने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड्स, एक फॉर्मूला उसका लिखा हुआ है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, वो जब आप के टीचर आपको पढ़ाएंगे, आप
आप अपनी बुक से पढ़ेंगे या मेरी भी वीडियोस देखेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ क्लियर की हुई हैं चीज़ें। देन जो सीनियर सिटीजन का टेस्ट होता है जिसको रिकली एंड जोन्स टेस्ट भी बोलते हैं, वो भी वापस से आ गया है इस बारी, वो भी कराया जाएगा इसमें। देन टर्म वन का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जो फिफ्थ चैप्टर होने वाला है, ये होने वाला है चैप्टर नंबर 8, जो कि आपकी बुक में यूनिट 8 है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में फर्दर सब टॉपिक्स होंगे, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। देन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन, ये चार मूवमेंट अच्छे से पकड़ लेना, अच्छे से कर लेना, होती बहुत सारी है। इनवर्जन, एवर्जन भी होगी, सर्कमडक्शन भी होगी, रोटेशन भी होगी, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इतना नहीं जाना आपको, आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये चार अच्छे से पकड़ लेना, अच्छे से कर लेना। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये छोटा चैप्टर है, जो कम टॉपिक है, इस पर आएंगे। देन देन डिसेबिलिटी एटिकेट्स हैं, देन स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। देन इसमें जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा यूनिट 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसमें फर्दर सब टॉपिक्स क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, उनकी सॉफ्ट टिश्यू है, इंजरीज है जैसे एब्रेजन है, कॉन्टीजन है, लेसरेशन, इनसीजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, या फिर बोन एंड जॉइंट इंजरीज है, डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर्स है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक, कम्युनिटी फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और इंपैक्टेड, कॉजेज उनके, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। देन लास्ट सब टॉपिक इसमें होगा फर्स्ट एड, जिसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। देन चैप्टर नंबर 4 इसमें होगा यूनिट 9 है, जो कि सेकेंड टर्म में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, जिसमें फर्दर सब टॉपिक्स आ जाएंगे, पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, शेल्डन की थ्योरी, जंग की क्लासिफिकेशन, बिग फाइव थ्योरी, तीनों आपको पता होना चाहिए, मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स, देन मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, कौन कौन से हैं वो अभी आपको पता होना चाहिए, हॉस्टाइल है, इंस्ट्रूमेंटल है, या असर्टिव बिहेवियर है। देन चैप्टर नंबर 5 जो कि यूनिट 10 से होगा, इसके अंदर जो 5 चैप्टर इसके अंदर आएंगे सेकेंड टर्म में, वो होगा यूनिट 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपके मोटर कंपोनेंट्स हैं 5, जैसे स्ट्रेंथ है उसका डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक, आइसोकिनेटिक, एंड्योरेंस है डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग है, इंटरवल ट्रेनिंग है, या फाटलेक ट्रेनिंग है, स्पीड है डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्पीड, एक्सेलरेशन रन है या पेस रन है, फ्लेक्सिबिलिटी है डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है डेफिनेशन टाइप, मतलब सभी के डेफिनेशन टाइप्स और उनको इंप्रूव करने के तरीके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल जो होने वाला है वो आपका 15 नंबर का होगा टर्म 1 में, 15 नंबर का होगा टर्म 2 में, फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ईजी प्रैक्टिकल हो गया है, ज़्यादा काम नहीं करना है, समझ लो इसको। एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी किसी एक गेम, आपकी चॉइस का गेम, कोई भी एक गेम या स्पोर्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड फाइल में डाल देना,
उसके कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या क्राइटेरिया होता है, फेमस प्लेयर्स कौन से हैं, अर्जुन अवार्डीज कौन से हैं, ग्राउंड किस तरह से दिखता है, ग्राउंड की मेजरमेंट्स क्या है, ग्राउंड की ड्राॅइंग क्या है, पिक्चर्स लगा सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो, कम्प्लीट एक अपनी इच्छा की जो आपकी मनपसंद गेम है उसके बारे में डिटेल्ड में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। देन आपसे जो एक्सटर्नल आते हैं या इंटरनल आते हैं, अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ है कि एक्सटर्नल आएंगे या इंटरनल ही स्कूल के लेंगे, वो भी आएंगे तो मैं आपको चैनल बता दूंगा। तो आपसे वो क्या करेंगे, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी, कोई फिटनेस एक्टिविटी का डेमोंस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे सपोज आफर टेस्ट करा दें स्कूल के अंदर बच्चों को, तो आफर टेस्ट आपको करना होगा, उस बेस पर आपके मार्क्स लगेंगे 5 में से। देन एक होगा आपका वाइवा वॉइस, जिसमें आपका प्रोजेक्ट फाइल वो देखते हैं और आपका फिटनेस भी देखते हैं, उसके अलावा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। वाइवा जैसे कि आपने 11th में भी दिया होगा, तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी आप जाके देख लेना। तो 15 नंबर का आपका हो जाएगा टर्म 1 का प्रैक्टिकल, सेम तरीके का प्रैक्टिकल जो आपका होना है इसमें टर्म 2 में भी 15 नंबर का होना है, बट फर्क क्या होगा, जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी आपकी, सेम प्रोजेक्ट फाइल आप कैरी कर सकते हैं आगे टर्म 2 लिख के, उसी में आगे कर देना एक दो पेज छोड़ के, जिसमें योगा एंड जनरल फिटनेस टेस्ट जो कि आपका 5 नंबर का होगा, जनरल फिटनेस टेस्ट के योगा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, साथ ही जनरल फिटनेस टेस्ट जो मोटर फिटनेस टेस्ट है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में से, वो लिख देना, उसे एक्सप्लेन कर देना विद ड्राइंग्स एंड इमेजेस एंड ऑल। देन कोई भी डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी या फिर योगा के कोई आसन जो आपसे एक्सटर्नल करा सकते हैं, अगर इंटरनली लेते हैं तो वो आपसे कराया जा सकता है, या फिर वाइवा वॉइस जो होगा, जो आपका वाइवा होगा वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी फाइल से भी पूछा जा सकता है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, योगा से रिलेटेड हो सकते हैं, बुक में से कहीं से भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल, और ज़्यादा आप रिसोर्स मटेरियल इसका चाहते हैं तो आप CBSE की जो वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं, cbseacademic.nic.in के ऊपर। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, वीडियो को शेयर जरूर करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद, हिट रहो फिट रहो।